क्या आप जानते हो कि जेईई मेन का एग्जामिनेशन कितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं? नंबर पता है आपको? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। जेईई मेन का एग्जामिनेशन 10 लाख बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 10 लाख। और क्या आपको पता है कि भाई आईआईटीज में कितने सीट्स होते हैं? आफ्टर द लास्ट ईयर अपडेशन आईआईटी में सीट हो गया है 17,200 चिल्लर, यानी कि 17,200 के आसपास आपके पास सीट है और एग्जामिनेशन देते हैं जेईई का 10 लाख बच्चे। तो अगर आपको आईआईटीज में एडमिशन चाहिए तो आपको उन 17,000 में आना पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर आपको एक अच्छी आईआईटी चाहिए अपने मनपसंद फील्ड के साथ तो आपको 5,000 से कम की रैंकिंग लानी पड़ेगी, तब जाकर आपको मिलता है अपने मनपसंद सीट अपने मनपसंद आईआईटी में। यह होता है जेईई मेंस का तरीका, यह होता है जेईई मेंस का कॉम्पिटिशन। और यहीं पर अगर मैं आपसे नीट की बात करूं कि आपको पता है कि नीट एग्जामिनेशन कितने बच्चे देते हैं? आइडिया है? 10 लाख सर? नहीं, नीट एग्जामिनेशन जेईई के दुगने बच्चे देते हैं, 20 लाख बच्चे नीट का एग्जामिनेशन देते हैं। पिछले बार भी 20 लाख के आसपास बच्चों ने नीट का एग्जामिनेशन दिया था, इस बार भी 20 लाख के आसपास बच्चे नीट एग्जामिनेशन देने वाले हैं। और क्या आपको पता है कि इस पूरे देश में कितने कॉलेजेस हैं नीट के, यानी कि मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? इंजीनियरिंग कॉलेजेस से हमारा देश भरा पड़ा है, लेकिन नीट कॉलेजेस हमारे पूरे देश में 500-600 के आसपास बस, नॉट मोर देन दैट। तो आप सीट्स भी देख सकते हो कि भाई कितने ही होंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के आसपास जाते हो, मतलब 100 के आसपास यू नो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर आप उनके पास जाते हो तो यू विल हैव क्लियर कट, भाई आपका फीस कम होगा, सब कुछ कम होगा। लेकिन उसके बाद जो भी कॉलेजेस, सारे के सारे प्राइवेट है और प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत ज्यादा होती है एक मेडिकल सीट के लिए। सो नाउ, मेरा ये कहना आपको डराने के लिए नहीं था, मेरा ये कहना आपको था कि भाई रियलिटी आपको समझनी है। जो भी बच्चा 10th के बाद 11th में जेईई या नीट का सपना देकर आगे बढ़ता है, आपको पता होना चाहिए कि भाई रियलिटी क्या है, कंपटीशन कितना हार्ड है और कितना टफ है। और ये जो डेटा और ये नंबर्स मैं कह रहा हूं वो मैं अभी बता रहा हूं कि पिछले और इस साल क्या हुआ। तो ऑफकोर्स ये बातें आगे जाकर नंबर्स और बढ़ने वाले हैं। 10 लाख बच्चे दे रहे हैं तो आगे जाकर 12 लाख बच्चों के आसपास देंगे, 20 लाख दे रहे हैं तो 22-23 लाख बच्चे नीट देंगे आप जब तक 2026 में पहुंचोगे। और इसी वजह से आपके पास एक फूल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि 2 साल में आप क्या करने वाले हो, जेईई नीट में आप क्या अलग करने वाले हो प्रिपरेशन के दौरान, जो आपको इन सारे बच्चों से आगे ले जाएगा। और उसके लिए मैं आपको रास्ता बताने वाला हूं इस सेशन में। ट्रस्ट मी गाइस, व्हेन आई से दिस, मैं आपके इस पूरे जर्नी में साथ देने वाला हूं, मैं आपके साथ होने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 चीजें कौन सी हैं जो आपको पूरे प्रिपरेशन के दौरान याद रखनी है। और ये तब भी याद रखनी है जब आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करते हो। ऑफ कोर्स ये बातें भाई जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही हैंडफुल अमाउंट ऑफ बच्चे होते हैं जो खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्सिमम 95% से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी कोचिंग में जाके अपना प्रिपरेशन करते हैं। अब इन प्रिपरेशन के दौरान कौन सी 5 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देनी है अपने प्रिपरेशन के दौरान, वो मैं आपको बताने वाला हूं और ये आपको पूरे 2 साल याद रखनी है। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना, बताऊंगा कि भाई मैं कैसे आपकी हेल्प करने वाला हूं, वेदांतु आपकी कैसे हेल्प करने वाला है इस 2 साल के प्रिपरेशन और कैसे आपको कॉम्पिटिशन में सबसे आगे पहुंचाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, है ना। पहला पॉइंट क्या होगा भाई? पहला पॉइंट ऑफकोर्स होगा अमेजिंग टीचर्स होने चाहिए। ऑफकोर्स ही बात है कि आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे, ऑफलाइन पढ़ोगे, पूरी आपकी मर्जी होगी, लेकिन ऑफ कोर्स है कि भाई टीचर्स ऐसे होने चाहिए जो एक बार बताए आपको समझ में आए। क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि भाई जब आप 11th में जाते हो तो सिलेबस 4 गुना हो जाता है। जैसे सिलेबस 4 गुना हो जाता है, एक टीचर का काम सिर्फ सिलेबस पढ़ाना नहीं बल्कि एक स्टूडेंट को मोटिवेशन देना भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10th तक हमें आदत होती है कि हम सिर्फ फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ते हैं, बायो में हम पढ़ते हैं 5 चैप्टर। लेकिन जैसे ही आप जाते हो आपके 11th ग्रेड में, सडनली होता क्या है कि भाई आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 2-2 किताबें पढ़ने पड़ती हैं, 4 चैप्टर से 16-16 चैप्टर्स हो जाते हैं, मैथमेटिक्स के भी 2 बुक्स हो जाते हैं। तो चाहे आप पीसीएम लो या पीसीबी लो, और पागलों की तरह अगर पीसीएम भी लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि भाई साहब टेंशन ही टेंशन होगा। क्यों होगा टेंशन? क्योंकि सिलेबस अचानक से बढ़ गया और आपको इसकी आदत नहीं थी। तो होता क्या है कि भाई 11th ग्रेड में और 12th ग्रेड में जब आप कोचिंग जाते हो, हर 2 हफ्ते में आपका टेस्ट होता है जेईई का या तो नीट का, जो 2 हफ्तों में एक बार टेस्ट होता है, उस टेस्ट में आपके मार्क्स बहुत कम आते हैं, 10% मार्क्स आते हैं, 20% आते हैं, क्योंकि आपको समझ भी नहीं आता हो क्या रहा है भाई, सिलेबस कवर करें या टेस्ट के लिए पढ़ाई करें, कोई आइडिया नहीं होता। और इसी वजह से अमेजिंग टीचर्स का होना जरूरी है जो आपको सही चीजें सही वक्त पर पढ़ाए, और साथ ही साथ जब आपके मार्क्स परसेंटेज कम आए, कोई आपकर आपकर आपके खंधे पर हाथ रख के कहे कि भाई इट्स ओके, सबके साथ यही हो रहा है, आपको मोटिवेटेड रखे। मैंने लाखों 11th ग्रेड के बच्चों को देखा हुआ है, मुझे पता है कि भाई ये होता है हर बच्चे के साथ, चाहे वो
वो कितना भी बड़ा टॉपर हो, टेंथ में चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपर हो, ऑल इंडिया रैंक लाया हो जेई में, दो साल के बाद वो इसी रास्ते से गुजरता है। रास्ता सबका सेम होता है बच्चा, लेकिन मुद्दा ये होता है कि ये सारी चीजें झेल कर दो साल कौन टिक गया। और इस टिकने के लिए एक अमेजिंग टीचर का होना बहुत जरूरी है। तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चूज करते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, मेक श्योर करिए कि आपके पूरे प्रिपरेशन में ग्रेट टीचर रहे, चाहे वो कोई भी हो सकता है ना। बस ये मैं कहना चाहता हूं। अब बात आती है दूसरे चीज की, और वो होता है एक अमेजिंग टीचर के साथ अमेजिंग कंटेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, टीचर अमेजिंग हो, टीचर जो चीज पढ़ाते हैं वो पढ़ाने वाली जो चीज होती है, अगर वही डिट्टो के डिट्टो बोर्ड एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पाए, तो भाई समझ में आता है कि भाई ये टीचर अमेजिंग है। ऑफकोर्स ही बात है ना, जैसे हमने टेंथ का जब आपका प्रिपरेशन कराया, मैंने बोला कि भाई ये सवाल आएंगे, वो सवाल आएंगे, ये आएंगे, इसको पढ़ लेना। जब वो सवाल आते हैं तो हमें भी अपने अंदर से प्राउड फील होता है कि भाई हाँ, जो हमने बोला था वही सवाल आया। देख लो, ये एक्सपीरियंस आता है। तो जब एक टीचर को चूज किया जाता है, इसी एक्सपीरियंस के बेसिस में चूज किया जाता है कि भाई साहब इनका जो कंटेंट है ना, वो अव्वल तरीके का है, अव्वल दर्जे का है। ये कंटेंट बनाते हैं बच्चों के लिए, ये कंटेंट बनाते हैं स्पेशलाइज्ड हर बच्चे के लिए। अब कंटेंट भी जो आपको दी जाती है वो भी पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, ये कैसा पर्सनलाइज्ड कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने आपका टेस्ट लिया, ठीक है, 11th ग्रेड में मैंने आपका पहला टेस्ट लिया और मैं आप ले लिया है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का कंबाइन, एक जेई का मैंने एक सिंपल सा टेस्ट ले लिया आपके लिए। तो हुआ क्या, टेस्ट लेने के बाद फिर भाई साहब हुआ ये कि PCM में आपको मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स आ गए और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका घंटा गुल हो गया। तो अगर मैं जाकर आपको आगे और मैथ्स का ही कंटेंट देते रहूं, मैथ्स का ही प्रैक्टिस कराते रहूं, तो फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि मैं आपको और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंटेंट दूं, ताकि आपका जो बल है, जो स्ट्रेंथ है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री में बढ़े और मैथ्स में जैसे आता था वैसे आते रहे। समझ में आ रही है आपको बात? तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चूज करने वाले हो, जो भी प्रिपरेशन आप करने वाले हो, हमेशा ध्यान देना कि वो कंटेंट ऐसे प्रैक्टिस करो आप, जो आपका वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाए दो साल के अंदर, क्योंकि दो साल के बाद आप अपना पहला जेई मेन अटेम्प्ट या नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हो। आपको लग रहा होगा सर ये सारे कंटेंट स्ट्रेटजीज है, ऑफ कोर्स यस भाई, क्योंकि मैं आप क्या चाहते थे कि मैं क्या बोलूं आपको कि भाई अच्छा सिलेबस ये जेई का, नीट ये है, ये तो सब तो सब लोग देते, लेकिन ये वो कंटेंट स्ट्रेटजी जो कोई बताता नहीं। दो साल के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या देखनी होती है, ये चीजें देखनी होती है, बाकी सारी चीजें तो सब जगह होती है कि नहीं? बात समझ में आ गया? अब मुद्दे पर आते हैं, तीसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो तीसरी चीज होती है बेटा प्रैक्टिस, दे धना धन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों जरूरत है? क्योंकि जेई मेन का जो या तो नीट का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट है ना, बहुत ज्यादा वास्ट है। टेंथ के कंपैरिजन जैसे मैंने कहा था 4 गुना है ना, और अगर सारे सब्जेक्ट्स मिला दो तो 16-20 गुना है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, सवाल कहीं से भी आ सकता है, सवाल कैसे भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस की तरह ये जो एग्जामिनेशन है कोई बोर्ड नहीं संभालता, ये इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक रीजन की वजह से, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें सवालों को कैसे भी घुमाया जा सकता है। आप डरते हो ना कि 10th ग्रेड में यार सर सवाल ट्विस्टेड आ गए तो क्या होगा, भाई यहां पे तो सारे सवाल ही ट्विस्टेड होंगे। तो यहां पर बात आती है प्रैक्टिस की। अगर आपने 2 साल में 15,000 से 20,000 सवालों को प्रैक्टिस नहीं किया है तो फिर आप छोड़ ही दो। समझ रहे हो बात को? 15,000 से 20,000 सवालों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करिएगा जहां पर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो रही हो। और अगेन, प्रैक्टिस में भी पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है कि भाई साहब ये मैं इन सब्जेक्ट्स में वीक हूं तो मैं इन ही सब्जेक्ट्स के सवाल ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। अब इन सब्जेक्ट्स में कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसमें मैं ज्यादा वीक हूं, उनके भी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी होता है। तो अपने 2 साल के कंटेंट प्रिपरेशन प्लान में इसको भी इंक्लूड करना कि भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर्सनलाइज प्रैक्टिस होनी चाहिए और देह धनाधन प्रैक्टिस होनी चाहिए। और मैं वादा करता हूं बेटा, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हो ना, तो ये तीनों चीजें तो आराम से होगी आपकी। और मेरे ख्याल से ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत कॉमन है हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये मैं बता देता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप ले लोगे ना, तो ये तीनों चीजें प्रिपरेशन प्लान में कॉन्स्टेंट होती है। ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर अमेजिंग टीचर्स ना हो, ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जिनके पास एक्सपीरियंस ना हो कि भाई सवाल कैसे आते हैं, पूरा एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको 15,000 से 20,000 सवाल नहीं करवाता होगा प्रैक्टिस के लिए, पर्सनलाइज भी कराता होगा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। लेकिन अब बात आती है 4th और 5th सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इसलिए मैंने इनको एंड में रखा था। अब इसको ध्यान देना। अब देखो, भेड़ चाल मची हुई है इस पूरे देश में, समझ रहे हो,
भेड़ चाल। इसका मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, लाखों बच्चे टेंथ के बाद शिफ्ट हो जाते हैं कोटा के, भाई दो साल हमें पढ़ाई करनी है वहां पे। लेकिन होता क्या, वहां पे डिप्रेशन फैल जाता है। और आपने बहुत सारे केसेस जो अनवांटेड है वो आपने सुने होंगे कोटा से, है ना, क्योंकि ये दो साल का जर्नी इतना स्ट्रेसफुल होता है, इतना प्रेशर का बना होता है कि कंपटीशन ही इतनी भारी पड़ जाती है कि बहुत सारे बच्चे क्विट कर जाते हैं। और क्विट ही तो नहीं करना है हमें। अब क्विट क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना है, एग्जांपल लीजिए आप, जब आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो जहां पर 100 बच्चे बैठे हो एक क्लासरूम में, तो फिर होता क्या, आपके पास ध्यान आता है, नहीं आता है। सो यू टेल मी व्हाट इज बेटर, एक बच्चा जो 100 बच्चों के बीच में है या एक बच्चा जो 50 बच्चों के बीच में, क्या बेटर है, बताइए चैट में। अब बताइए एक बच्चा 50 के बीच में जो बेहतर है कि भाई एक बच्चा 25 के बीच। आप अपने आप को 25 लोगों के बीच में यू नो पाना चाहते हो, या एक अपने आप को 10 लोगों के बीच में पाना चाहते हो, या आप क्या चाहते हो कि भाई मैं और टीचर साथ साथ पढ़ाई करें, क्या चाहते हो? ऑफ कोर्स आप कहोगे सर अगर मेरे साथ एक टीचर हो तो काफी है, मैं 100 बच्चों के साथ नहीं बैठना चाहता। और यहीं पे मुद्दा आता है पर्सनल अटेंशन का, और ये मैं थापे से कह सकता हूं कि भाई कोई भी कोचिंग आपको पर्सनल अटेंशन नहीं देता है। तो आपको वो कोचिंग चूज करना है जहां पर पर्सनल अटेंशन मिल रहा हो। क्यों? क्योंकि मान लो दो साल में हजारों बार होंगे जहां पे आपका मोटिवेशन नीचे जाएगा, हजारों बार होंगे जहां आपको डाउट्स आएंगे, लाखों बार होंगे जहां पर आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, 50 लाख बार होगा ऐसे कि टेस्ट में कम नंबर आएंगे। तो कौन होगा वहां पर जो आपके साथ खड़ा होकर कहेगा कोई बात नहीं, कौन होगा? ये जो दो साल की जर्नी होती है ना, बहुत अकेलापन होता है इसमें, क्योंकि पेरेंट्स समझ नहीं पाते इस बात को, और फ्रेंड्स तो कंपटीशन में लगे हुए हैं आपके साथ। तो आपके साथ एक इंसान को होना जरूरी है, एक टीचर को होना जरूरी है 24/7 जो आपको पर्सनली अटेंड करे। तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चूज करोगे वहां देखना कि भाई पर्सनल अटेंशन मिल रहा है कि नहीं। और आई कैन 100% गारंटी यू कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई पैसे कमाने होते हैं सबको, ठीक है। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आपसे हो सके तो प्रॉमिस करिए मेरे को कि आप वेदांतु में ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, जहां पर आपको ये पर्सनल अटेंशन का वादा दिया जाता है, समझ रहे हो आप, बाकी आपकी मर्जी है। अब आता हूं मैं पांचवें पॉइंट पे। बेटा जैसे मैंने कहा ये दो साल का जो जर्नी है ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होने वाला है। बहुत बार आपके दिल में आएगा कि मुझे क्विट करना है, बहुत बार ये आएगा कि आप खुश नहीं हो, बहुत बार आप डिप्रेशन के झाले में आ जाओगे, बहुत बार आप स्ट्रेस के झाले में आ जाओगे। और तब क्या करना है बेटो, तब ये करना है आपको कि आपको अपने आप को आईने में देखना और कहना है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन से डर जाऊं, मेरे सपने उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। ये है पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर नीट एंड जेई। अगर आप थोड़ा भी मोटिवेटेड फील करो और अगर आप वेदांतों के पर्सनल अटेंशन के साथ ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ना चाहते हो तो सिंपल सी बात है बेटा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफलाइन सेंटर्स के लिए गूगल फॉर्म होगा। बस आप अपने डिटेल्स के साथ गूगल फॉर्म भर दीजिए और मेरी टीम से आपको कॉल आएगी फॉर डेडिकेटेड प्लान्स जो आप चूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन प्लान के लिए पूरे दो साल का। और अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहते हो और हम और ऐसे शहर में नहीं हो जहां पर हमारा ऑफलाइन सेंटर है, जो मैं पूरे तरीके से आपको बताऊंगा कि भाई अगर ऑफलाइन चूज कर सकते तो ऑफलाइन ही चूज करना, क्योंकि अमेजिंग टीचर्स हैं, अमेजिंग प्रैक्टिस है, अमेजिंग क्वेश्चंस है, अमेजिंग पर्सनल अटेंशन है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ऑफलाइन शहर में नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हो, तो ऑनलाइन के लिए भी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, ठीक है, वो भी भर दीजिएगा। आपको मेरी टीम से कॉल आएगा टू टेल यू कि हमारे पास कितने विभिन्न तरीके इसके यू नो कोर्सेस हैं जिसमें जिसका भाग आप बन सकते हो और अपनी तकदीर जेई और नीट के लिए बदल सकते हैं। बस मैं आपसे और ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के ये बात जरूर पहुंचाना कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टाइम टेबल वगैरह नहीं होती जेई नीट के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होती है जो मैंने आज इस सेशन में कहा हुआ है। अब आखिरी और सिंपल सी बात बेटा, आपको इसी चीज के बारे में और क्लैरिटी देने के लिए मैं खुद हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आ रहा हूं। कहां कहां आ रहा हूं, कैसे कैसे आ रहा हूं मैं बता देता हूं अभी ताकि आप नोट डाउन कर सको, आपकी स्क्रीन के सामने भी दिख रहा होगा बट मैं बता देता हूं आपको। 17 मार्च को मैं भुवनेश्वर आ रहा हूं उड़ीसा, जहां पर हम आमने सामने बैठकर हमारे भुवनेश्वर का सेंटर लॉन्च भी करेंगे और इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, 11th को कैसे ठीक करना होता है, करियर काउंसलिंग के बारे में और बहुत ज्ञान देंगे। बहुत सारे अमेजिंग लोग भी आने वाले हैं, हमारे फाउंडर्स भी होंगे और मैं भी होंगे और कुलदीप सर भी होंगे और आपके साथ बहुत बहुत डीप बातें करेंगे अबाउट योर फ्यूचर। और ये हो रहा है भुवनेश्वर को 17 मार्च में, आप लोकेशन देख सकते हो, टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। और वैसे ही मैं आ रहा हूं 21 मार्च को पुणे में, लोकेशन
देख सकते हो आप, और टाइमिंग होगी शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक, मिस आउट मत करिएगा। और वैसे ही पुणे के बाद होगी 23 मार्च को दिल्ली में, और दिल्ली में होगा अगेन 9:00 से 1:00 बजे तक, बहुत जरूर जाइएगा, और ये उसका लोकेशन भी आप देख सकते हो। फिर होगी 24 मार्च को हैदराबाद में, जहां पर भाई हमारे अमेजिंग बच्चों के साथ मुलाकात होगी अगेन फ्रॉम मॉर्निंग 9:00 to 1:00, और उसका लोकेशन भी आप देख सकते हो। एंड फाइनली 31 मार्च को मैं आ रहा हूं पटना, ग्रैंड लॉन्च ऑफ अ सेंटर अट पटना। तो पटना के बच्चों, सेंटर लॉन्च कर रहे हैं हम पटना में भी, मिलते हैं आपसे वहां पे अगेन सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। टाइमिंग मैं बाद में कन्फर्म कर लूंगा, लेकिन लोकेशन सारे और डेट सारे आपके स्क्रीन के सामने हैं। और जो भी बच्चा आना चाहता है अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए, रजिस्ट्रेशन लिंक है वहां पर, सेंटर में आने का रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करिए और रजिस्टर कर डालिए, है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक्स है, ऑफलाइन कोर्स का, ऑनलाइन कोर्स का और इवेंट के रजिस्ट्रेशन का, तीनों को भर डालिए अभी अभी, और इन्हीं तीनों लिंक्स के अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और बताइए उनको कि 11 12 की जर्नी आसान हो सकती है अगर आप चाहो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ, पीस। और कमेंट से मुझे बताना मेरा एक भी पॉइंट अगर आपको दिल को छुआ है तो वो कौन सा है।